दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को इस सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा के और उसके बराबर में जो घंटी का निशान है उसको जरूर ध्यान से दबा दें। ऐसा करने से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन और जीमेल पे मिलती रहेगी और आप उस पे ओके करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एंड्रॉयड मोबाइल के 5 टॉप बेस्ट ऐप्स। ये ऐप्स बहुत ही अच्छे हैं और इन ऐप्स को आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से 5 अच्छे ऐप्स हैं, उनका नाम क्या क्या है और उनका काम क्या क्या है। तो दोस्तों इन सभी ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहला मेरा ऐप्स है बिड कॉम्पैक्ट। इस ऐप्स का काम है HD वीडियो को 3GP में कन्वर्ट कर सके, अच्छी HD वीडियो को छोटे मोबाइल के काबिल बना सकें ताकि हम कीपैड वाले मोबाइल में भी वीडियो चला सकें या फिर व्हाट्सअप वगैरह पर भी भेज सकें क्योंकि उसकी MB कम कर सकते हैं इससे। तो इस पर आप ओके करेंगे बैच कंप्रेस पर। यहाँ पर आपको सभी वीडियो के फोल्डर मिल जाएंगे, जो भी आपको वीडियो सिलेक्ट करना उस वीडियो को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नेक्स्ट आ जाएगा, इस पर ओके कर देना है। नेक्स्ट पे यहाँ पर सबसे हाई क्वालिटी, उससे कम क्वालिटी, उससे कम क्वालिटी और ये 320 क्वालिटी और ये 240 पिक्सल। तो ये दोनों क्वालिटी जो हैं कीपैड वाले मोबाइल में चल जाएंगी और ये वाली 3 क्वालिटी जो है कीपैड मोबाइल में नहीं चलेंगी, या फिर आप व्हाट्सअप पर भेजने के लिए भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखो 28 MB में बनेगी ये फाइल, ये 15 MB में बनेगी, 8.5 MB की, 7 MB की, ये 3 MB की। तो हम इस पर ओके करके और कंप्रेस नाउ कर देंगे तो ये हमारी वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगी। तो हम इसको चलो अब बैक कर देते हैं, हमें ये सेव नहीं करना है। तो बैक कर दिया हमने इसको। अब हमारा दूसरा ऐप्स है, ऐप्स का नाम है कॉल ब्लॉकर। कॉल ब्लॉकर ऐप्स है। तो इस ऐप्स का क्या काम है, इस ऐप से हम अपने किसी भी मोबाइल पर आने वाली कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले हम इसको हटा देते हैं निशान को। तो ये सबसे ऊपर वाला निशान है, ये ऐप्स को इनेबल करेगा, चालू करेगा और ये लिखा प्राइवेट नंबर है, इस पर आप ओके कर देंगे तो आपके ये जो निशान लगा हुआ होगा तो आपके मोबाइल पर कोई भी विदेश का नंबर या कोई प्राइवेट नंबर नहीं आएंगे कंपनी वगैरह के। और यहाँ पर लिखा अनजान नंबर, जो भी इस पर आप अगर टच कर देंगे तो इसका मतलब ये है आपके मोबाइल पर अब सिर्फ वही फ़ोन आएंगे जो नंबर आपके मोबाइल में सेव हैं, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो फ़ोन नहीं आ सकते। ये काम, ये ऐप्स बहुत लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर लिखा है ब्लैक लिस्ट, अगर आप सिर्फ एक ही नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर आप ओके करके कोई यहीं से कॉल लिस्ट से या कॉन्टैक्ट नंबर से आपको नंबर मिल जाएगा, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सब पता लग जाएगा किन किन लोगों ने आपको कॉल लगाया था, जिनको आपने ब्लॉक किया हुआ, सारी लिस्ट आ जाएगी। तो चलिए अब इसको बैक कर लेते हैं, हम चलते हैं अपने तीसरे ऐप्स पे। तीसरे ऐप्स का नाम है ब्लू नाइट फिल्टर लाइट। इस ऐप्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो इस ऐप्स का काम क्या है, जैसे आप इसको ऐप्स को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको हर तरीके की लाइट मिल जाती हैं। तो ये जो लाइट हैं, आप होता क्या है जब हम अपने मोबाइल को रात में यूज करते हैं तो हमारी आँखों पर बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तो हम इस ऐप्स के ज़रिए से ये अपने मोबाइल की लाइट को इस तरीके से कर लेंगे ताकि हमारी आँखों पर फ़र्क ना पड़े और हमें मोबाइल चलाने में भी मज़ा आए, नहीं तो हमारी आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो हम इस ऐप्स को भी बंद कर देते हैं, ये हमारा ऐप्स बंद हो गया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे ऐप्स पे। चौथे ऐप्स का नाम है वेब स्क्रॉल कैप्चर। तो इस ऐप्स को हम ओपन कर लेंगे। इस ऐप्स का काम क्या है तो बता देते हैं। इस ऐप्स का काम ये है, जैसे कि मान लो हम किसी इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट पर हम गए हुए हैं और हम वहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं, तो इस ऐप से हम अपने किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हम किसी भी ऐप्स के ज़रिए से अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अगर लंबा पेज होता है तो हमें उसके 4-5 स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, लेकिन इस ऐप्स की मदद से हम पूरे का पूरा वेब पेज का एक ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपको वेब पेज ओपन करना है इस ऐप में सर्च करके ओपन कर सकते हैं या फिर URL डाल के इस ऐप्स में ओपन कर सकते हैं। और ये जो निशान आ रहा है इस पर आप ओके करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कैप्चर एस इमेज, कैप्चर एस PDF। तो आपको इमेज में करना है, फ़ोटो में बनाना है स्क्रीनशॉट को, तो आप इस पर ओके कर देंगे तो आपका ये जो है इस पेज का एक फ़ोटो बन जाएगा और आपकी गैलरी में आ जाएगा। और वो फ़ोटो आप किसी को, अगर आपको भेजना है वेब पेज का फ़ोटो तो भी आप उसको भेज सकते हैं, या फिर कोई आप इंटरनेट पर ऐसे काम कर रहे थे, कोई आपने को जानकारी अच्छी लगी पढ़ने के लिए तो आपने उसका वेब पेज का स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और आपको हमेशा अगली बार में वो काम आता रहेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अपने पाँचवें ऐप्स के बारे में। पाँचवें ऐप्स का नाम है स्किन यूटिलिटी। तो इस ऐप्स को ओपन कर लेंगे। ये ऐप्स का काम है स्क्रीन शॉट पर या फिर किसी फ़ोटो पर एरो टैग्स वगैरह लगाना, एरो लगाना, बॉक्स लगाना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ओपन कर ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर ले रहा हूँ फ़ोटो, या स्क्रीन शॉट हो या फिर किसी का भी फ़ोटो हो, उस पर आप इसमें बहुत कुछ लगा सकते हैं। एरो लगाना, बॉक्स लगाना, टैग्स लिखना, सब कुछ इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो ले ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला फ़ोटो ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला मैंने फ़ोटो ले लिया है। अब हमें ये इस पर लिखा हुआ है तो हम इस पर ओके कर देंगे, ये जो निशान आ रहा है इस पर हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ड्रॉ करना है, ब्लर करना है, मतलब लिखा हुआ है कोई चीज़ हम उसको ब्लर कर देंगे, धुंधला हो जाएगा। फ़ोटो को क्रॉप करना है, फ़ोटो के ऊपर कुछ लिखना है या फ़ोटो पर कोई बॉक्स बनाना है इस तरीके का। आप फ़ोटो से बॉक्स बना सकते हैं, इस पर कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मिल जाएगा सर्कल, इस पर आप ओके करेंगे तो इस तरीके से गोला भी बना सकते हैं इस ऐप से। और इस पर आप ओके करेंगे तो इस तरीके से एरो आ जाएगा, एरो भी आप इस पर बना सकते हैं, तीर बना सकते हैं इस ऐप से। चाहे आपको जहाँ पर भी बनाना हो इसका कलर भी, और यहाँ पर लिखा लाइन, तो लाइन भी आपको कोई खींचना हो इस तरीके से, आपको लाइन खींचना है लाइन भी इस ऐप से खींच सकते हैं। तो इस ऐप्स का काम यही है, स्क्रीनशॉट वगैरह को एडिट करना या फिर किसी भी फोटो पर ऐसे लाइन बना सकते हैं, चाहे लाल कलर में बनाए चाहे पीले कलर में बनाए, जिस तरीके से आपको बनाना है बना सकते हैं। और ये फ़ोटो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप ओके करके इस फोटो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, दिल में कोई बात हो तो कमेंट भी कर देना। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना चाहते हो या फिर मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों के लिंक्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को भी जरूर दबा देना। और आपको ये जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रही हैं इन सभी पर टच कर करके इन वीडियो को भी देख लें, ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।